आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल हक की आवाज। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेख उमर, सिटी इंडिया न्यूज में आप तमाम का खैर मकदम है। आइए देखते हैं कौमी खबरें। इजाजत के बगैर अमिताभ बच्चन की तस्वीर, नाम और आवाज इस्तेमाल नहीं की जा सकती, दिल्ली हाईकोर्ट का हुक्म। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि कोई भी कंपनी या शख्स बॉलीवुड सुपरस्टार अमिताभ बच्चन का नाम, तस्वीर और आवाज उनकी इजाजत के बगैर इस्तेमाल नहीं कर सकते। नामवर फिल्म अदाकार ने नई दिल्ली हाईकोर्ट में दरख्वास्त दाखिल करते हुए कहा था कि बास कंपनियां उनकी इजाजत के बगैर काफी अरसे से उनका नाम और उनकी आवाज का इस्तेमाल कर रही हैं। उन्होंने कहा कि वो अपने हक में तशहीर और शख्सियत के हकूक चाहते हैं। यहाँ ये जिक्र बेजाना होगा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अमिताभ बच्चन के नाम से एक लॉटरी का इश्तिहार भी इन दिनों गश्त कर रहा है, जो कि सादा लोह अफराद को गुमराह करने के लिए बनाया गया है। जामा मस्जिद में लड़कियों के बॉयफ्रेंड के साथ दाखिले पर पाबंदी है, शोहर के साथ नहीं, इमाम बुखारी ने कहा। पुरानी दिल्ली की शाही जामा मस्जिद में तनहा लड़कियों को दाखिले की इजाजत ना देने के फैसले के हवाले से शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी का बयान सामने आया है। जामा मस्जिद के शाही इमाम ने वाजह किया है कि नमाज पढ़ने आने वाली खवातीन को नहीं रोका जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसी शिकायत थी कि लड़कियां अपने बॉयफ्रेंड के साथ मस्जिद में आती हैं, इसलिए उसे रोकने के लिए दाखिले पर पाबंदी लगा दी गई है। शाही इमाम ने कहा कि अगर कोई औरत जामा मस्जिद आना चाहती है तो उसे खानदान या शोहर के साथ आना होगा, अगर वो नमाज पढ़ने आए तो उसे नहीं रोका जाएगा। दरअसल जामा मस्जिद के ताल्लुकात अम्मा के अफसर सबीउल्लाह खान ने कहा कि अकेली लड़कियों के दाखिले पर पाबंदी आयद की गई है। यह फैसला इस बात को मद्देनजर रखते हुए किया गया है कि यह एक मजहबी मुकाम है, नमाजियों के लिए कोई पाबंदी नहीं है। उन्होंने कहा कि जामा मस्जिद इंतजामिया ने अकेले या ग्रुप्स में आने वाली लड़कियों और खवातीन के दाखिले पर पाबंदी का हुक्म जारी किया है। उनका कहना है कि लड़कियों और खवातीन के अपने अहल खाना के साथ आने पर कोई पाबंदी नहीं है, शादीशुदा जोड़ों पर भी कोई पाबंदी नहीं है। तृणमूल कांग्रेस के रहनुमा का गोली मारकर कत्ल। मगरबी बंगाल में होने वाले पंचायत इंतखाबात से पहले कत्ल व गारत का ना रुकने वाला खेल शुरू हो चुका है। असेंबली और बल्दियाती इंतखाबात की तरह पंचायत इंतखाबात में भी अकलियती तबके के सियासी रहनुमाओं को हदफ बनाने का सिलसिला जारी है। ज़राए के मुताबिक सरपंचों ने तृणमूल कांग्रेस के रहनुमा को गोली मारकर हलाक कर दिया। ये वाक़ जुमेरात की रात मुर्शिदाबाद के नोएडा में पेश आया। मरने वाले तृणमूल रहनुमा का नाम मतीउल इस्लाम है। वो नदिया जिले के नारायणपुर नंबर 2 पंचायत पर धान के शोहर हैं। इसके अलावा वो नदिया तृणमूल अखिलती सेल के सदर भी थे। जराए के मुताबिक मुर्शिदाबाद नदिया जिले की सरहद पर वाक़ जमालपुर में शर पसंदों ने पहले तृणमूल कांग्रेस के रहनुमा की गाड़ी पर पहले बमों से हमला किया और फिर इसके बाद उन्हें गोली मारकर फरार हो गए। तृणमूल कांग्रेस के रहनुमा को तश्वीशनाक हालत में मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया, जहाँ उनकी मौत हो गई। अस्पताल के बाहर ही तृणमूल कांग्रेस के हामियों ने एहतजाज किया। कश्मीर में सर्दियों की लहर तेज, श्रीनगर में रमजान सीजन की सर्द तरीन रात हुई दर्ज। वादी कश्मीर में सर्दियों की लहर तेज तर होने के बीच श्रीनगर में रमजान सीजन की सर्द तरीन रात दर्ज हुई है। विभाग में मौसमियात के मुताबिक श्रीनगर में गुज़िश्ता शब का दर्जा हरारत -1.4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ है, जो मामूल से 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम रिकॉर्ड हुआ था। वादी के मशहूर जमाना सयाहती मुकाम गुलमर्ग में कम से कम दर्जा हरारत 0.0 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जो मामूल से 2.1 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा रिकॉर्ड हुआ था। वादी के दूसरे मशहूर सयाहती मुकाम पहलगाम में कम से कम दर्जा हरारत -3.6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जो मामूल से 1.2 डिग्री सेंटीग्रेड कम रिकॉर्ड हुआ था। सरहदी जिले कंपवारा में कम से कम दर्जा हरारत -2.4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जो मामूल से 1.9 डिग्री सेंटीग्रेड कम रिकॉर्ड हुआ था। गेट वे ऑफ कश्मीर के नाम से मशहूर कस्बा काजी कुंड में कम से कम दर्जा हरारत -2.2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जो मामूल से 2.3 डिग्री सेंटीग्रेड कम रिकॉर्ड हुआ था। सलीम खान 87 बरस के हो गए, घर वालों के साथ मनाई सालगिरह। बॉलीवुड के मारूफ मुसन्निफ सलीम खान 87 बरस के हो गए हैं। सलीम खान ने अपनी सालगिरह अरकान के साथ मनाई। बेटे सलमान खान, सुहेल खान, अरबाज खान, बेटियां अलवीरा, अर्पिता खान और दोनों बीवियां सलमा खान और हेलन उनकी सालगिरह के मौके पर मौजूद थे। सलीम खान की सालगिरह की तकरीब की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। अरबाज खान ने इंस्टाग्राम पर तस्वीर शेयर की हैं। सलीम खान और जावेद अख्तर की जोड़ी 70 की दहाई में बहुत मशहूर थी। उन्होंने एक से बढ़कर एक फिल्में लिखी, जिनमें शोले, दीवार, त्रिशूल, डॉन और जंजीर जैसी फिल्में शामिल हैं।
تاہم سال 1982 میں سلیم اور جاوید الگ ہو گئے۔ اس کے بعد سلیم خان نے بھی لکھنا کم کر دیا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے مہیش بھٹ کی 1986 میں بنی فلم نام لکھی تھی، جو ان کی آخری فلم تھی۔ دہلی کی سب سے بڑی الیکٹرانک مارکیٹ بھاگیرتھ پیلس میں آتشدگی۔ قومی راجدھانی کے چاندنی چوک کے بھاگیرتھ پیلس الیکٹرانک مارکیٹ میں جمعرات کی رات زبردست آگ لگ گئی۔ آگ پر قابو پانے کی کوششیں جاری ہیں۔ دہلی فائر سروس ڈپارٹمنٹ کے ڈائریکٹر اتل گرگ نے بتایا کہ آگ پر قابو پانے کے لیے کئی فائر انجن موقع پر موجود ہیں اور آگ پر قابو پانے کی تمام کوششیں کی جا رہی ہیں۔ تاہم انہوں نے مزید کہا کہ ابھی تک اس حادثے میں کسی جانی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ہے۔ فائر ڈپارٹمنٹ کو تقریباً 9:30 بجے آگ لگنے کی اطلاع دی گئی۔ اطلاع ملتے ہی فائر بریگیڈ کے عملے اور فائر انجن آگ پر قابو پانے کے لیے موقع پر روانہ ہوئے۔ آگ اتنی شدید تھی کہ کچھ ہی دیر میں تقریباً 20 دکانوں تک پھیل گئی۔ اس واقعے کے بعد چاروں طرف افراتفری پھیل گئی اور دھوئیں کا غبار نظر آنے لگا۔ انہوں نے آج صبح کہا، صورتحال بہت خراب ہے، تاہم آگ لگنے والی زیادہ تر عمارت مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہے۔ آگ پر قابو پانے کے لیے 40 گاڑیوں کو کام میں لگا دیا گیا ہے۔ سابق وزیر صحت ڈاکٹر ہرش وردھن آج الگ صبح موقع پر پہنچ گئے۔ انہوں نے کہا کہ آگ کی وجہ سے عمارت آہستہ آہستہ گر رہی ہے، عمارت کی 2 منزلیں مکمل طور پر تباہ ہو گئی۔ مستقبل میں انسانوں کے لیے چاند کا سفر ممکن ہو سکتا ہے۔ امریکی خلائی ایجنسی ناسا کے خلائی مشن آرٹمس ون کے اوراین خلائی جہاز نے اپنے مشن کے 8ویں روز چاند سے بہت دور اپنا سفر جاری رکھا ہے اور وہ مدار میں داخل ہونے کی تیاری کر رہا ہے۔ ناسا کے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ آرٹمس ون اپنے مشن کے 8ویں روز چاند کے دور دراز ریٹروگریڈ مدار میں جانے کی تیاری کر رہا ہے۔ ناسا کا خلائی جہاز 3 روز پہلے چاند کے قریب پہنچ گیا تھا، جہاں سے یہ مدار کی جانب سفر شروع کیا ہے۔ اس خلائی جہاز میں کوئی انسان موجود نہیں ہے۔ اگر سب کچھ ٹھیک رہا تو مستقبل میں عام لوگوں کے چاند کا سفر ممکن ہو سکے گا۔ ایک رپورٹ کے مطابق ناسا نے 50 سال کے وقفے سے آرٹمس ون مشن کے تحت اوراین خلائی جہاز کو چاند کے ارد گرد سفر پر روانہ کیا ہے، تاکہ انسان کی دوبارہ چاند کی سطح پر اترنے کے مشن کے علاوہ اس سے بھی آگے تحقیقات کی جا سکے۔ یہ ایک آزمائشی پرواز ہے اور اس پر کوئی خلاباز سوار نہیں، اس پر صرف انسانی پتلے سفر کر رہے ہیں جو ہزاروں سینسرز سے ڈھکے ہوئے ہیں۔ ایسے ہی تازہ ترین خبروں کے لیے دیکھتے رہیے سٹی انڈیا ٹی وی۔ تو ملتے ہیں کل، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔صرف خوابوں سے نہیں گھر بنتے ہیں ارادوں سے۔ ایم ایس ٹیکنو اینڈ کمپنی بلڈرز اینڈ ڈیولپرز لے کر آئے ہیں ایک نیا پروجیکٹ، سابریز عمر انکلیف سپر ڈیلکس کنسٹرکشن، شاہوں کے شہر حیدرآباد میں، چار مینار کے دامن میں، صرف 1 کلومیٹر کے فاصلے پر، اعظم پورہ فرحت نگر علاقے میں۔ بکنگ سٹارٹ۔ مزید تفصیلات کے لیے ربط کریں 9995902386 9995902386 9581528002 9493854625 Are you looking to build your dream project, but construction costs and time are a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving, acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance, and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.